सो सोचो क्या हुआ उस स्टूडेंट के साथ, उसने बहुत सारा कुछ सीखा, जितने पैसे दिए उसके डबल वापस मिल गए। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कोडिंग निंजास का कोर्स मैं फ्री में कैसे कर सकता हूँ, तो एक्चुअली अगर तुम्हें फ्री में करना है तो ये तरीका है। सोचो कितना सही नेटवर्किंग होगा, तुम्हारे ऑपरेशनल स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, बिकॉज अब तुम्हें हर एक जॉब के लिए फॉलोअप करके मेक श्योर कि पूरा प्रोसेस सही से चल रहा है वो सब तुम्हें करना होगा। जनरली इंटर्न्स को बहुत मज़ा आता है, अगर तुम देखोगे तो लिंक्डइन पे पीपल आर पोस्टिंग कि यार कितना मज़ा आया, कितना कुछ सीखा, एंड दीज इंटर्न्स लर्न सो मच डे इन डे आउट कि उनके लिए बहुत सही होता है। स्टाइपेंड ऑब्वियसली काफ़ी सही होता है, आई थिंक वी पे क्लोज टू 20,000 अ मंथ फॉर दिस इंटर्नशिप। हे गाइस, दिस इज अंकुश, एंड मैंने बहुत बार बोला है तुम लोगों को कि इंटर्नशिप के लिए हमें स्टार्टअप्स में भी एक्सप्लोर करना चाहिए एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, राइट? सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं कोडिंग निंजास के अंदर क्या क्या इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, उनमें क्या स्किल सेट चाहिए, किस टाइप के लोगों को हम जनरली हायर करते हैं एज इंटर्न्स, एंड उसके अलावा उनका जनरली क्या फ़ायदा है वो इंटर्न करने का, राइट? आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। So stay till the end and you will find that we have hundreds of opportunities for interns every month. So now let's talk about क्या क्या different हमारे पास interns available हैं और हर एक का क्या फ़ायदा है, क्या skill set चाहिए, इसके बारे में detail में बात करते हैं। So first of all, I hope तुम लोगों ने Code Studio को अच्छे से explore किया है। Code Studio हमारा एक platform है जहाँ पर अमेजिंग गाइडेड पाथ्स अवेलेबल हैं, जिसका मतलब है कि डेटा एक्सेस को शुरू से लेकर एंड तक कैसे करना चाहिए, राइट? लाइक एटलीस्ट रिटन में तुम्हें मिल जाएगा, उसके अलावा तुम्हें ओएस के लिए, तुम्हें बेसिक्स ऑफ C++ के लिए, जावा के लिए, इन सब के लिए गाइडेड पाथ मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, मोर देन 2000 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, एंड ये प्रॉब्लम्स अलग अलग कंपनीज ने पूछी हुई हैं, सो उस हिसाब से बेसिकली हमने इनको यहाँ पर ऐड किया है। बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं। सो ये सारा जो काम है, ये सारा जो कंटेंट का काम है, ये मोस्टली इंटर्न्स करते हैं। इंटर्न्स बनाते हैं, इंटर्न्स रिव्यू करते हैं, हमारी एक टीम के भी कुछ लोग हैं जो कि फाइनल रिव्यू करते हैं, बट बहुत ज़्यादा सही प्रोसेस हमने बनाया हुआ है इंटर्न्स को बेसिकली कैसे हम सारी चीज़ें समझा के सिखा के कैसे वो लोग अच्छा क्वालिटी कॉन्टेंट बना पाते हैं। सो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम हमारे स्टूडेंट हो, तुम लाइक कोई भी हो जिसको डिसेंट स्किल्स हैं, राइट? एक तो बेसिकली थोड़ी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, ग्रामर थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरी नहीं है। क्या बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है? टेक स्किल्स अच्छी होनी ज़रूरी है ना? क्या लिख रहे हो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, कैसे हम डिफरेंट जगह से ढूंढ के हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वो ज़रूरी होना चाहिए। सो क्या फ़ायदे हैं ये इंटर्न करने के? आई थिंक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर तुम ये प्रॉब्लम्स बना रहे हो तो सोचो तुम्हें क्या करना होगा। हर एक प्रॉब्लम में तुम्हें सोचना होगा क्या डिफरेंट अप्रोचेस पॉसिबल हैं, कि एक अप्रोच दूसरे से बेटर क्यों है। हर एक के लिए कोड लिखना होगा। द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑन ईच प्रॉब्लम इज सो मच दैट यू गेट टू नो इन एंड आउट ऐसा क्यों किया, क्या डिफरेंट अप्रोचेज हैं, कैसे हम वहां पर पहुंचे, तुम्हें बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। एंड अगर तुम ऐसा 200-300 प्रॉब्लम के लिए कर लेते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। कोड स्टूडियो के अंदर ही ब्लॉग्स के लिए हमारे पास इंटर्न्स हैं, प्रॉब्लम सेटिंग के लिए, गाइडेड पाथ्स के लिए, सब चीजों के लिए वी हैव इंटर्न्स, एंड दीज इंटर्न्स लर्न सो मच डे इन डे आउट कि उनके लिए बहुत सही होता है। स्टाइपेंड ऑब्वियसली काफी सही होता है, आई थिंक वी पे क्लोज टू 20,000 अ मंथ फॉर दिस इंटर्नशिप, बट ऑब्वियसली काफ़ी सारा काम भी होता है तो, बट मुझे लगता है कि जनरली इंटर्न्स को बहुत मज़ा आता है। अगर तुम देखोगे तो लिंक्डइन पे पीपल आर पोस्टिंग कि यार कितना मज़ा आया, कितना कुछ सीखा, राइट? सो अमेजिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम दैट यू कैन कंसिडर अप्लाइंग फॉर। इन जो भी मैं इंटर्नशिप्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी पॉसिबल है तुम्हारे लिए अप्लाई करना, वो तुम्हें मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, सो दैट वॉज फर्स्ट काइंड ऑफ इंटर्न। सेकेंड काइंड ऑफ इंटर्न इज टेक इंटर्न, है ना? हमारी जो टेक टीम है, हमारे पास आई थिंक 20 के आसपास हमारी टेक टीम है, एंड वी ऑलवेज हैव फ्यू इंटर्न्स इन द टेक टीम जो कि हमारे लिए पोटेंशियली फाइनली फुल टाइम हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप डूइंग द इंटर्नशिप फॉर 6 to 8 months, 10 months, एंड फिर वो फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? हम लोग रूबी ऑन रेल्स और एंगुलर यूज करते हैं, बट जब हम इंटर्न हायर करते हैं तो हमारी बस एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार वेब में कुछ किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट में कुछ किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, बंदे को समझ में आता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एटीट्यूड बहुत बढ़िया है। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि यार मुझे बहुत सीखना है, मुझे बहुत सारा काम करना है, आई वॉन्ट टू लर्न अलॉट, दैट इज द एटीट्यूड दैट वी आर लुकिंग फॉर। क्योंकि जब किसी का ऐसा एटीट्यूड होता है ना, वो कुछ भी सीख लेता है।
सो रूबी ऑन रेल्स इन इटसेल्फ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नोड जेएस में किया है, पाइथन जैंगो में किया है, तो दैट इज ओके, बट हमें एंथू होना चाहिए करने का एंड हमें थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अभी हम शायद आई थिंक एक दो इंटर्न अपॉर्चुनिटीज रिएक्ट नेटिव के लिए भी आने वाली हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा. स्टाइपेंड बहुत अच्छा होता है, काम करने को बहुत सारा मिलता है एंड बहुत सारा सीखने को मिलता है. ठीक है, अगेन डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म डलवा दूंगा जिसके थ्रू तुम अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर टेक इंटर्न्स. नाउ वन ऑफ आर मोस्ट पॉपुलर इंटर्न प्रोग्राम्स आर टीचिंग असिस्टेंट्स. ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ हमारे एक्स स्टूडेंट्स के लिए है. ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, टीचिंग असिस्टेंट क्या करते हैं, टीचिंग असिस्टेंट करंट स्टूडेंट्स के डाउट्स सॉल्व करते हैं. अब ये डाउट्स किस पे होते हैं, मोस्टली जो हमारा कोर्स कंटेंट है उसके ऊपर होते हैं. सो इसमें हमें चाहिए होता है कि यार एक स्टूडेंट हो ताकि जिसने अच्छे से पूरा कोर्स किया हुआ हो, अगर अच्छे से पूरा कोर्स किया हुआ है तो उसको हम टीचिंग असिस्टेंट बनाएंगे एंड वो बाकी लोगों के डाउट सॉल्व कर पाएगा. अब जस्ट थिंक ऑफ दिस, हमारे जितने भी लोग हमसे पढ़ते हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से 10% के आसपास लोगों को हम टीचिंग असिस्टेंट बनाते हैं. तो तुम सोचो कोडिंग निंजास में जो 10% लोग जो एडमिशन लेते हैं वो जितना पे करते हैं ना फीस में, ऑलमोस्ट उसका डबल उनको एज अ टीचिंग असिस्टेंट स्टाइपेंड वापस मिल जाता है, डबल से ज़्यादा मिलता है एक्चुअली. सो सोचो क्या हुआ उस स्टूडेंट के साथ, उसने बहुत सारा कुछ सीखा, जितने पैसे दिए उसके डबल वापस मिल गए एंड एज अ टीचिंग असिस्टेंट उसको इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने को मिल रहा है, इतने सारे लोगों का माइंडसेट समझने को मिल रहा है. और मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छी जो लाइक अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ बहुत अच्छे से सीख लो और तुम उसको पढ़ाते हो तो तुम सबसे अच्छे से सीखते हो. बिकॉज नाउ इट्स नॉट जस्ट कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, यू हैव टू मेक श्योर कि सामने वाले को समझ में आ रहा है, तो उसके जितने भी डाउट्स हैं वो तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना, वो सब तुम्हें करना पड़ेगा. सो टीचिंग असिस्टेंट जनरली बहुत ही अमेजिंग जॉब्स लगती हैं इनकी, बहुत कुछ इनको सीखने को मिलता है और दिन में सिर्फ 2 घंटे इनको लगाने होते हैं. स्टाइपेंड इसका ऑलमोस्ट आई थिंक 25-30,000 रुपीज टाइप्स होता है 4 months का. ठीक है, सो विच माइट साउंड अ लिटिल लो बट यू नीड टू रियलाइज कि दिन में 2 घंटे ही काम करना है एंड मेन फायदा इस इंटर्नशिप का पैसा नहीं है, मेन फायदा इसका ये है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड जस्ट इमेजिन 10% लोग तो फ्री में पढ़ रहे हैं हमारे पास, एक्चुअली उनको डबल सॉर्ट ऑफ मनी दे विल गेट बैक. तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कोडिंग निंजास का कोर्स मैं फ्री में कैसे कर सकता हूँ, तो एक्चुअली अगर तुम्हें फ्री में करना है तो ये तरीका है, कोर्स लो, बहुत अच्छे से सीखो, तुम्हें टीए बनने को मिलेगा. जब तुम टीए बन जाओगे तो तुम्हें डबल ऑलमोस्ट पैसा वापस मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ इंटर्न एंड मंथली आई थिंक हम जो टीएज हायर करते हैं वो क्लोज टू 70-80 टीएज होते हैं जो हमें हर महीने हायर करने होते हैं. ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ इंटर्न 100 नहीं होंगी, ज्यादा होंगी. प्रॉब्लम सेटर भी आते हैं, है ना, हर महीने हमें 20 के आसपास हायर करने होते हैं. टेक इंटर्न हम 2-3 हायर कर रहे होते हैं, 1-2 हायर कर रहे होते हैं एक्चुअली मंथली. तो टीएस हम 50-60 कर रहे होते हैं. इसके अलावा दीज आर दी 3 ऑप्शन दैट आई टॉक्ड अबाउट. देन वी हायर अ लॉट ऑफ पीपल इन आर कॉन्टेंट टीम. दैट बेसिकली मीन्स हम नए नए कोर्सेज पे काम करते हैं या फिर हम अपने करंट कोर्सेज को इम्प्रूव करते हैं, तो वहाँ पर भी एक मेन टीम है बट साथ में इंटर्न्स भी होते हैं. ठीक है, अब अगेन तुम सोचोगे ये इंटर्न्स क्या कर रहे हैं, तो ये इंटर्न यार लाइक अगर एक कोर्स की बात करें, अगर हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे तो दे हैव टू गो वेरी डीप इनटू मशीन लर्निंग. हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल डेप्थ में जाके उनको सीखना पड़ेगा ताकि वो समझ पाएं कि हमें और क्या ऐड करना है, हम और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. सो बहुत ही अमेजिंग इंटर्नशिप होती है अगर तुम कॉन्टेंट टीम में इंटर्न बन जाते हो, बिकॉज तुम उस सब्जेक्ट में उस टॉपिक पे एकदम डीप जाते हो. जनरली तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बात करने को मिलता है कि कंटेंट में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तुम्हें बेसिकली लोगों से बात करके समझना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें कमी है, क्या क्या कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. सो हर एक कोर्स में वी हायर कंसल्टेंट जो कि इंडस्ट्री बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, फिगर आउट करते हैं क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब करने को मिलेगा. सो आई थिंक नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सही है और तुम्हें उस टॉपिक में तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. राइट, सो दैट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटर्न. Another type of intern is marketing or let's say placement team or all non-tech sort of interns, right? Placement team के अंदर हमारे interns होते हैं, हमारे marketing team के अंदर, campus team के अंदर interns होते हैं. So ये जो सारे interns हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें tech में नहीं जाना और तुम्हें non-tech explore करना है, तो these are amazing internship opportunities. Placement team को क्या करना होगा? Placement team का जो intern है, उसको HR से बात करनी होगी, jobs लानी होगी. उसको देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वहाँ पे उन कंपनीज में कॉन्टैक्ट. सोचो कितना सही नेटवर्किंग होगा.
तुम्हारे ऑपरेशनल स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, बिकॉज अब तुम्हें हर एक जॉब के लिए फॉलो अप करके मेक श्योर कि पूरा प्रोसेस सही से चल रहा है वो सब तुम्हें करना होगा। तुम मार्केटिंग टीम में इंटर्न बन सकते हो, इसका मतलब होगा तुम्हें समझना पड़ेगा कि यार कैसे हम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग या कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग वर्क करती है, और कैसे हम अपना पूरा जो भी हमारे बेस्ट कोर्सेज हैं उनको हम कैसे लोगों तक बताएंगे, है ना। सो वो बहुत अमेजिंग इंटर्न होती है। उसके अलावा हर एक टीम के अंदर एक एक दो दो इंटर्न्स तो होते ही हैं। सो एनी सॉर्ट ऑफ इंटर्न, टाइप ऑफ इंटर्न यू विल बी टू फाइंड विद इन कोडिंग निंजास, राइट। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ, नॉट एग्जैक्टली इंटर्नशिप बट लाइक एन इंटर्नशिप, इज अ कैंपस सेमेस्टर प्रोग्राम। नाउ दिस इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बाकी सब इंटर्न्स में ना एक सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट है कि यार तू इतना टाइम तो देगा, तुझे इतना काम तो करना पड़ेगा। कैंपस सेमेस्टर प्रोग्राम में उतना टाइम नहीं देना पड़ता। इट जस्ट मीन्स दैट मोस्टली हमारे एक स्टूडेंट्स होते हैं इसके अंदर भी, बट जरूरी नहीं है। तुम्हें अपने कैंपस में हमारे बारे में लोगों को बताना है कि हम कैसे हैं, सच्चाई बतानी है सिर्फ। अगर मान लो कोई इवेंट हो रहा है तो तुम्हें लोगों को बताने की यार इवेंट हो रहा है, किसी को अगर डाउट है तो उनको सही जगह पे पहुंचाना है कि यार कि तुम्हें डाउट है कि कैसे होता है क्या होता है, तो तुम इनसे बात कर लो, राइट। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ व्हाट यू हैव टू डू इन द कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम। अगेन वी राइट नाउ आई थिंक वी हैव 700-800 कैंपस एम्बेसडर्स एंड ये बहुत जल्दी एक्सपैंड हो रहा है। सो बाकी सारी तो इंटर्न्स हो गई। कैंपस एम्बेसडर में फिक्स स्टाइपेंड नहीं होता, बट लाइक हाउ वेल यू डू, तुम अपने सारे टास्क टाइम पे कर रहे हो, तुम अपने कॉलेज से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर बेसिस होता है कि तुम्हें उसमें स्टाइपेंड क्या मिलता है, राइट। बट नाउ इफ यू विल लुक एट इट, द आइडिया ऑफ दिस वीडियो एंड इन सब के लिए जो जो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं नीचे एक फॉर्म डालूंगा, तुम उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एंड जो भी हमें लगेगा कि जो जो लोग कर सकते हैं हम उनको रीच आउट पक्का करेंगे, ठीक है। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए तो यू नीड टू जस्ट फाइंड जो भी तुम्हारे आसपास कंपनीज हैं, एंड तुम देखोगे तो हर एक के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। मतलब कोडिंग निंजास उतनी बड़ी कंपनी नहीं है अभी, है ना। मतलब लाइक वी विल हैव 125-130 एम्प्लॉयज एंड वी नीड सो मेनी इंटर्न्स, बिकॉज इतना सारा काम है जिसके अंदर हमें लगता है कि यार जो भी करंट स्टूडेंट्स हैं दे माइट डू अ बेटर जॉब देन अ फुल टाइम पर्सन, राइट। सो इसलिए हम उसके लिए इंटर्न्स हायर करते हैं, या फिर हमें फाइनली जो फुल टाइम लोग चाहिए उसके अंदर हमें लगता है यार किसी को 4 घंटे इंटरव्यू करके कैसे पता लगेगा कौन अच्छा है नहीं है, बट अगर हम किसी को इंटर्न रखेंगे तो हमें पक्का पता लग जाएगा। सो द पॉइंट इज एक्सप्लोर करो अपने आसपास। कोडिंग निंजास में इंटर्नशिप के लिए तुम इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स हैं, तुम वहां से अप्लाई कर सकते हो। बट अगर तुम में स्किल्स होंगी तो तुम्हें इंटर्नशिप्स इनफ मिल जाएंगी तुम्हारे आसपास। सब कंपनीज को बहुत सारे इंटर्नशिप चाहिए। I hope this was helpful, and if it was, please like the video and do share it with your friends. That'll be and if you have any questions, comment me. Pakka se dal do. Okay? Thank you so much. Bye bye.